हे फ्रेंड्स, आई एम सत्यम एंड वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल एफएफ आर्मी। एंड गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और गाइस आगे भी बढ़िया ही रहें। सो गाइस, आज जब आप गेम खोल रहे हो तो आपको कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है और आप अपना गेम जो है वो ओपन नहीं कर पा रहे हो, अपना गेम जो है वो खेल नहीं पा रहे हो। सो गाइस, इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है, कहीं आपका गेम जो है वो इंडियन सर्वर में बैन तो नहीं हो गया है या फिर आपके गेम में कुछ नया जो है वो अपडेट आने वाला है? सो गाइस, इसके बारे में अभी यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज, इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि फ्री फायर की जो थर्ड एनिवर्सरी है वो आने वाली है। सो गाइज, थर्ड एनिवर्सरी जो फ्री फायर की है वो आने वाली है, उसी से रिलेटेड यहाँ पर अपडेट दिया गया है गरीना फ्री फायर की तरफ से, क्योंकि यहाँ पर जो फ्री रिवॉर्ड्स आपको दिए जाएंगे वो स्पेशल होंगे गरीना फ्री फायर की तरफ से, और उसमें साथ से आपको इलाइट पास भी देखने को मिल सकता है। सो गाइज, यहाँ पर गेम आप ना खेल पा रहे हो, इसका सबसे बड़ा रीज़न तो यही है कि फ्री फायर की जो थर्ड एनिवर्सरी है वो यहाँ पर कुछ ही दिनों बाकी है, उसमें कुछ दिन शेष रह गए हैं जो फ्री फायर की जो थर्ड एनिवर्सरी है उस डेट को आने को। और गाइज, यहाँ पर सब कुछ आपको मिल जाएगा, फ्री रिवॉर्ड जितने भी होंगे, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आगे भी आपको कुछ धीरे धीरे करके मिलते रहेंगे, क्योंकि एनिवर्सरी का जो वीक है वो स्टार्ट हो जाएगा आज या फिर कल से आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आपको बहुत सारे कुछ फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। तो गाइज, अगर आप जानना चाहते हो तो आपको क्या फ्री रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, तो इसके बारे में हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी पहले से ही वीडियो अपलोड कर रखी है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता ही होगा कि हमने कौन कौन सी वीडियो जो है डाली है, और उसमें आपको हमने बता रखा है कि आपको जो एनिवर्सरी सीजन में क्या क्या कुछ देखने को मिलेगा, क्या आपको फ्री देखने को मिलेगा और क्या आपको डायमंड्स लेकर देखने को मिलेगा। सो गाइज, आप यहाँ से देख सकते हो हमारे चैनल पर जाके आपको मिल जाएगा फ्री फायर की थर्ड एनिवर्सरी के बारे में अपडेट। सो गाइज, वहाँ से आप उसको देख सकते हो। तो गाइज, गेम नहीं चल रहा है और गेम में लग चुका है मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस लगने के बाद गाइज आपको बहुत कुछ नई नई चीज़ें जो है वो गेम में के अंदर देखने को मिलेंगी। और गाइज, ये मेंटेनेंस कब तक चलने वाला है, ये मेंटेनेंस जो है वो आपका 9 बजे, मतलब सुबह 9 बजे से स्टार्ट है, और उसी के साथ साथ यहाँ पर ये चलेगा शाम को 5 बजे तक या फिर 6 से 7 बजे तक भी हो सकता है, अगर गेम में इतना अपडेट ना डाला गया तो, क्योंकि गाइज ये इतना बड़ा अपडेट नहीं है, तो मेरे ख्याल से 5 बजे या फिर आपका 3 बजे तक के बीच में ही ओपन हो जाएगा। तो गाइज, 3 बजे से 5 बजे तक के बीच में ही आपका ये गेम जो है वो ओपन हो जाएगा, फिर आप अपने गेम को खेल पाओगे, और उसी के साथ साथ आप अपने एनिवर्सरी वीक का जो रिवॉर्ड है वो क्लेम कर पाओगे, और जो फ्री फायर के थर्ड एनिवर्सरी है उसमें आप अच्छे से सेलिब्रेट करके बहुत सारे फ्री रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हो। सो गाइज, गेम के अंदर आपको यहाँ पर ये कुछ ऐसे जो सीन दिख रहे हैं यहाँ पर, तो गाइज़ यहाँ पर यही कुछ चीज़ें जो है वो आपको गेम के अंदर मेंटेनेंस के बाद जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सो गाइज़, ये सभी चीज़ें जब गेम के अंदर आएंगी तो गाइज़ गेम खेलने का जो नज़रिया है वो कुछ बदल सा जाएगा, और उसके बाद आपको जो फ्री रिवॉर्ड्स मिलेंगे उसका तो क्या ही कहना, क्योंकि यहाँ पर गाइज़ फ्री फायर की जो थर्ड एनिवर्सरी है वहाँ पर बहुत कुछ मिलेगा हमें, जैसा जो पिछले बार मिला था, मतलब जब फ्री फायर की सेकेंड एनिवर्सरी थी तो गाइज़ वहाँ पर क्या क्या मिला था। तो गाइज़, मुझे जहाँ तक याद है कि मैजिक क्यूब का जो फ्रैगमेंट है वो दिए गए थे हमें, लगभग 100 से ज़्यादा ही दिए गए थे, तो वहाँ पर मैजिक क्यूब के फ्रैगमेंट दिए गए थे। उसी के साथ साथ गाइस हमें और कुछ भी देखने को मिले थे, जैसा कि इलाइट पास फ्री दिया गया था, और भी बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले थे, लेकिन मुझे इतना तो याद है क्योंकि ये बड़े बड़े रिवॉर्ड्स थे, तो गाइस मुझे इतना याद है कि यही ये चीज़ें जो है वो दी गई हैं। लेकिन यहाँ पर फ्री फायर जो है कुछ नए नए इवेंट्स भी दे रहा है, और इमोट जो है आपका शायद से इमोट का एक स्पेशल इवेंट भी आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर फ्री फायर की थर्ड एनिवर्सरी में। सो गाइस, यहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स जो मिलने वाले हैं, तो गाइस आप वेट कीजिए शाम तक, क्योंकि आपका जो गेम है वो बैन नहीं हुआ है, उसमें सिर्फ आपको थोड़ा सा अपडेट डाल दिया गया है, उस गेम में अपडेट जब आ जाएगा तो वहां पर जो आपका गेम है वो फिर से ओपन कर दिया जाएगा और आप फिर से अपने गेम को खेल पाओगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बाकी के जितने भी अपडेट्स हैं वो हम आपको धीरे धीरे करके देते रहें, और उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करें तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए और आप उस वीडियो के सबसे फर्स्ट व्यूअर हो जाओ। सो गाइस, आपको ये कैसा लगा कमेंट में बता देना है, और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आप फ्री फायर की टिप्स एंड ट्रिक्स सीखो, आपको कैसे एक बंदे को ड्रैग मारना है या फिर कैसे एक बंदे के ऊपर रश करना है, तो गाइस इसके बारे में हमने वीडियोस ऑलरेडी बना रखी हैं, तो गाइस वहां से आप देख सकते हो हमारी वीडियोस को। तो गाइस यहां पर आपके पास आज बहुत सा फ्री टाइम है, तो गाइस आप यहां से टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सीख सकते हो अपने फ्री टाइम में। सो गाइस, आपको ये कैसा लगा आप ये भी हमें कमेंट में बता दीजिएगा, और टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखिएगा। लेकिन अगर आपको जहाँ पर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो गाइस वहाँ से आप क्या कीजिएगा, वीडियो को फिर से रिपीट कर लीजिएगा, ताकि आपको एक एक पॉइंट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। सो गाइस, यहाँ पर ये हो गई हमारी टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बात। सो गाइस, अभी आपको बता दें कि आपके गेम की सेंसिटिविटी है उसको आप अगर थोड़ा आपका जो ड्रैग किसी बंदे को मारते हो और ड्रैग नहीं लगता है, तो उस सेंसिटिविटी में आपको क्या करना होगा कि आप अगर किसी बंदे को ड्रैग मारते हो और हल्का सा उसके ऊपर अप करते हो, कि आप ड्रैग जब मारते हो तो हल्का सा, मतलब जब आप उस बंदे के ऊपर ड्रैग करते हो तो आपका एम क्या होता है, बंदे के ऊपर चिपका होता है
या फिर बंदे से ऊपर जाके रिकॉइल कर जाता है। सो गाइस अगर बंदे के ऊपर जाके रिकॉइल कर जाता है तो आप अपनी सेंसिटिविटी को जो है वो थोड़ा सा माइनस करके चेक कर लीजिए जो आपकी जनरल सेंसिटिविटी है। और अगर आपका एम जो है वो चिपका रह जाता है तो आप अपनी सेंसिटिविटी को थोड़ा सा बढ़ाकर चेक कर लीजिए। सो गाइस ऐसा करने से आपका जो एम होगा वो परफेक्ट लगेगा बंदे के ऊपर और आप किसी बंदे को ड्रैग मार पाओगे। ये तो गाइस थी एक नॉर्मल सी टिप्स जो मैंने बता दी आपको, लेकिन अगर आप मारना चाहते हो किसी बंदे को ड्रैग तो गाइस आप हमारी पूरी फुल वीडियोस को वॉच कर लीजिएगा। हमने इसके लिए ऑलरेडी वीडियोस बना रखी है, वो MP40 की हमने अलग बना रखी है और यहाँ पर शॉर्ट रेंज की अलग बना रखी है शॉटगन वगैरह की, और उसी के साथ साथ लॉन्ग रेंज गन की हमने अलग बना रखी है, और उसी के साथ साथ आपकी बेस्ट सेंसिटिविटी क्या है वो हमने अलग बना रखी है, और टू फिंगर से आप कैसे गेम प्ले कर पाओगे वो भी बहुत ही बढ़िया वाला, तो उसके लिए हमने वीडियो जो है वो अलग बना रखी है। सो गाइस आप वहाँ से जाके देख सकते हो, और आज आपके पास बहुत फ्री टाइम है और आज आप यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो सीख सकते हो। सो गाइस गेम में जब अपडेट आएगा और आपका जब गेम खुल जाएगा तो आप इजीली गेम को खेल लीजिएगा और वहाँ पर आपको बहुत सारे रिवॉर्ड जो है वो देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस यहीं पर हम खत्म करते हैं अपने वीडियो को, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो आप उस वीडियो को सबसे फर्स्ट व्यूअर हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।